ताजा खबर उपरे जमीजमा बिवादर रक्ताक्त आक्रमण सबरेजिस्ट्रार अफिसरे गंडगोल और हणाकटा गंजाम दिगपहंडी सबरेजिस्ट्रार कार्यालय बुलिछि खंडा आक्रमण में दुई महिला और जने पुरुष गुरुतर आहत होती से दिगपहंडी मेडिकल भर्ती कर जमी किणा बिका को नहीं जने संपर्क आक्रमण कर सूचना मिली यार भितर पुलिस तदंत आरंभ कर वर्तमान समय एक ताजा खबर जमीजमा बिवाद को केन्द्र कर गंजाम दिगपहंडी सबरेजिस्ट्रार अफिस खंडा बुली आक्रमण में दुई महिला और जड़े पुरुष गुरुतर आहत होती कैलाश बेहरा आम प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन अच्छा कैलाश पूरा घटनाक्रम अपडेट दिंतु कैलाश शुणी पार देखो निहत गोटे गोटे अभावन घटना कहले अत्युत हम ना कारण गोटे कार्यालय खंडा बुलवा निश्चित भाव गोटे साधारण जनता को आतंकित करण दिन समय जनगहर पूर्ण समय रही है संपूर्ण रूपये दिगपन जो रही सबरेजिस्ट्र कार्यालय संपूर्ण रूप भिड़ लगी जमी किणा बिकु नहीं मत चलता और यही समय देखा मिलता खंडा बुलूला कारण जेहतु दिगपन सबरेजिस्ट्र जड़े जहाँकि जमी किणा बिका को नहीं आसान समुद्र से आसकी पड़ा धान खमुटी ब्लक पड़ामारी जहाँकि दुई जन महिला और जड़े पुरुष पुरुष यही जो खंडा बुलवा खंडा बुलला और जो अभियुक्त रही आक्रमण में दुई जन महिला और जो पुरुष आहत होती उभय रही महिला और पुरुष को बर्तमान दिगपहंडी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराई तेज मुख्य कारण रोच जमी किणा बिका को नहीं पूर्व से संपर्क मतलब झगड़ा झाँटी होता और यह सहित पूर्व पुलिस जो उभय गोष्ठी को पत्रा उत्तरा करने सहित बुझा बुझा कर समाधान किभली हम से पदक्षेप निया तेज आज जितेबाड़े जो जमी किणा बिका जो रेजिस्ट्रेशन होती से रेजिस्ट्रेशन समय हठात जो रही जहाँकि पड़ामारी जो रही नारायण स्वामी और ज्योतिराव और शारदा यही तीन जन दुई जन महिला और जन पुरुष कार्य लग पड़ा बेले संपर्क आसी हठात खंडार प्रथम आक्रमण करते जेहेतु आक्रमण होता है आक्रमण को बचाई निम्ते नारायण बाहर ताफल जो अभियुक्त मानते नारायण को आक्रमण करते सहित स्त्री ज्योतिराव जो रही आक्रमण करते जहाफल गोटे सबरेजिस्ट्रर देखो बर्तमान पर्यटन आक्रमणकारी को गिरफ्त कराए ना और जो रही सीसीटीवी विजुअल पुलिस पाई क्यों भाई आक्रमण कराइने तदंत करते जन आसते केत जन आक्रमण करते बर्तमान पर्यटन तदंत आरंभ होती आक्रमणकारी पाखे बर्तमान पुलिस पहुंची पारिनाई और जमीजमा बिवाद को केन्द्र कर पुणी हिंसाकांड बारंबार एभली अभियोग राज्यर विभिन्न स्थानों आसे किंतु एथर सरकारी कार्यालय भितर जमी पंजीकरण व्यवस्था चली समय खंडा बुली आक्रमण में तीन जन गुरुतर आहत होती बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश आपणकर तमाम सूचना पाए। नजर पकाइबा वर्तमान समय आउ एक बड़ खबर उपरे अनिल देशमुख इस्तफा देइछंती महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख निज पदवीरु इस्तफा देइछंती शरद पवार को भेटी इस्तफा घोषणा करिछंती अनिल देशमुख। अनिल देशमुख का विरोध में चांदा आदायर अभियोग आसीथिला 100 कोटी टंकार चांदा आदाय अभियोग आसीथिला एवं मुख्यमंत्री हाथ में एणिकि महाराष्ट्र गृह विभाग रहिब। सचिन बाजे गिरफ होगा परठारु जो भली ढंग से मुंबई पुलिस कमिशनर परमवीर सिंह को हटाई दिया जाइथिला एवं परमवीर सिंह का लेटर पैड्रु गोटे चिठी मुख्यमंत्री पाखक जाइथिबार खबर सामना को आसला किंतु दस्तखत नथिला एवं सेथिरे गृहमंत्री विरोध में अनिल देशमुख विरोध में अभियोग रहिथिला जे अनिल देशमुख सचिन बाजे जरिया मुंबईर विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंट्रु मासिक 100 कोटी टंका बटी आदाय करने टार्गेट देते एमतीक सचिन बाजे निज उपरिस्थ अधिकारी कनेक्शन को न आसी सीधासलख अनिल देशमुख जोगाजोग रोते यापर चाप बढ़ुला प्रथम कितु कहला जे अनिल देशमुख इस्तफा देवे कि अनिल देशमुख इस्तफा दे तेरे वासीम अंसारी आम प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती वासीम अभी जो अनिल देशमुख का इस्तीफा सामने आ रहा है ये सरकार के लिए बड़ा झटका है हम बोल सकते हैं क्या? देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार सरकार पर आलोचना हो रही थी लगातार उन पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा था खास करके
गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर कि जिस तरह से जो महाराष्ट्र और मुंबई में उनकी जो छवि है वो खराब की जा रही है थी, जिस तरह से देखा कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए उन्हें उनके अधिकारियों से गृह मंत्री ने कहा। ये लेटर बम मिलने के बाद लगातार मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा मचा हुआ था, प्रेशर जरूर था। और जिस तरह से आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, और जब सीबीआई को ये पूरी जांच सौंपी गई है तो ऐसे वक्त में जब गृह मंत्री को सीबीआई जांच के लिए बुलाएगी तो इसे देखते हुए बाकायदा पार्टी की तरफ से पेशा मनाया गया था। और आज उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे के पास जाकर सौंप दिया है। पार्टी ने भी कहा है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया है कि ये नैतिकता के आधार पे है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो। लेकिन ये अपक्ष लगातार इस पे प्रेशर बनाया हुआ था। ये महासरकार के दूसरे मंत्री हैं जिनका इस्तीफा लिया गया है महाविकास आघाड़ी की सरकार का। इससे पहले सूचना के जो मंत्री थे संजय राठौड़ वन मंत्री थे, उनमें उनका भी इसी तरह से इस्तीफा लिया गया था। अब गृह मंत्रालय जो सबसे बड़ा मंत्रालय माना जाता है सीएम के बाद, एक ये सबसे ज्यादा ताकतफुल पावरफुल मंत्रालय है, और उस मंत्रालय के मंत्री का इस्तीफा होना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वासिम जी आपकी तमाम खबरों के लिए। तेबे वर्तमान समय रे जो भली ढंग रे चाप बढ़ी महाराष्ट्र सरकार को उपरे अनिल देशमुख प्रथमे इस्तफा देबे नाही एक कथा शरद पवार ही कही थे, एक कथा महाराष्ट्र सरकार कहते, किंतु चाप एमिति बढ़ला जेतेबेले सीबीआई तदंत कथा आसिला, जेतेबेले गोटे आशंका बढ़ला जे गोटे राज्यर गृहमंत्री को सीबीआई पचरा उचरा करिबो, तापरे पार्टीरु ही चाप बढ़ला अनिल देशमुख इस्तफा दियंतु। एवं एहार भितर अनिल देशमुख इस्तफा देइचंती, उद्धव ठाकरे को इस्तफा देइचंती, एवं शरद पवार को भेटी निजर इस्तफा नहीं घोषणा मध्य करिछंती गणमाध्यम रे। हेले बड़ कथा हेउछि परमवीर सिंह कर जो लेटर रहिथिला से लेटर रा कनेक्शन, सचिन बाजे रा कनेक्शन, एवं यहा सहित अनिल देशमुख का कनेक्शन, ए तमाम घटना वर्तमान अनिल देशमुख का पाई गोटे बड़ अड़ुआ तैयारी करी पारे। सचिन बाजे एनआईए द्वारा गिरफ होई रहिछंती, तांका विरोध रे एकाधिक अभियोग रहिछि। आ गोटे दिग रहुछि परमवीर सिंह कर, जे परमवीर सिंह का समय रे जदि सचिन बाजे को उपरे अनिल देशमुख चाप रखिथिले 100 कोटी टंकार मासिक बटी पाई, परमवीर सिंह कौन करुथिले एने पूर्वरु कोर्ट मध्य गोटे कड़ा टिप्पणी देइछंती। परमवीर सिंह का सहित अनिल देशमुख एवं सचिन बाजे समस्त अड़ुआ बढ़ुची। अक्षय साहू आम सहित वरिष्ठ सांबादिक जोड़ी होती, श्रीजुक्त साहू आपको न्यूज 18 ओडिया को स्वागत करुच्ची। वर्तमान समय अनिल देशमुख का इस्तफा सरकार गोटे बड़ झटका, यह सहित महाराष्ट्र सरकार एवं पुलिस व्यवस्था काठगड़ा को आसुची कि बिल्कुल महाराष्ट्र जो आपणकर महाविकास आघाड़ी जो सरकार गठन होता आपणकर एनसीपी कांग्रेस एवं शिवसेना को लेकर निश्चित भाव से जो छवि था से सरकार से छवि टिके मलिन होती। बर्तमान अनिल देशमुख जे होम मिनिस्टर रही विरोध में अनेक दिन धरिकी अभियोग आसूला जे से एक्सटोर्सन एक प्रकार रैकेट पुलिस संस्था को नहीं चलाउं, एवं ये अभियोग आसीला आपंकर परमवीर सिंह जे फर्मर मुंबई पुलिस कमिशनर द्वारा होता तो एवं सी भी कही गोटे प्रच्छन्न निर्देश परोक्ष इंगित आपणकर सचिन वाजे जी आपणकर आपणकर मुकेश अंबानी घर आगे जी आपणकर थोइथिले गोटे स्कॉर्पियो जी पूरा विस्फोरक सामग्री लोड कर रखी प्रच्छर तर समर्थन था से कथा गोटे गुरुतर अभियोग आनी किंतु जेतेबेले बटी आदायर कथा आसुची जणे गृहमंत्री इस्तफा देउछंती सरकार बटी आदायर संपृक्तिर अभियोग रे छंदी हेबा स्वाभाविक कि नुहे। बिल्कुल जेतेबेले जेत होम मिनिस्टर आपणकर गोटे मंत्रिमंडल रे जणे मंत्री आपणकर सी भी कुआ जाई पारे माने तांकर भयस ता भी गोटे मंत्रिमंडल रे भयस तो जेतेबेले आज जणे गृहमंत्री आपणकर नेक्स्ट टू आपण जे देखिबे गोटे मंत्रिमंडल रे आपणकर चीफ मिनिस्टर तापर फाइनान्स मिनिस्टर तापर होम मिनिस्टर गोटे पावर से वेल्ड करती साथ से शक्ति थाए होम मिनिस्टर बहुत सम्मान प्रतिष्ठा रही था मंत्रिमंडल भितर आज जिते से होम मिनिश्टर काठगड़े ढड़ा है निश्चित भाव में आम कही पार जे से जो सरकार छवि अनेकांश मलिन सीबीआई तदंत आउ गोटे अड़ुआ वर्तमान समय अनिल देशमुख परमवीर सिंह कि नहीं बर्तमान परमवीर हाँ उभयी भी हो पाए कारण परमवीर सिंह जो अभियोग आनी भी कही हार्ड फैक्ट
पर्यवेक्षित जहां किसी इटि एक्सटोर्सन कराला बटी आदाय करोम मिनिस्टर निर्देश में कर एवं होम मिनिस्टर जितेबाला काठगड़ा को टणा हो सहित चीफ मिनिस्टर संपर्क थिला कि ना शिवसेनार सी समर्थन थिला कि ना कांग्रेस समर्थन थिला कि ना तो से कथा सब सीबीआई इंक्वायरी जितेबाला से कथा सामना को आसिब एवं ए घटनाक्रम को जितेबाला सीबीआई तदंत कर परमवीर सिंह संपूर्ण निष्कलंक बाहर भी कौन संप्रति नौसी परिस्थित सी एक्सटोर्सन दादाबटी संग्रह सी संप्रत ना से कथा को एड़ से संभावना को एड़े दे हम ना मोटामोटी भाव में आज कोर्ट जो निर्देश देते गोटे भल निर्देश देते अंतत पक्षे जो प्रकार आम जानी महाराष्ट्र में आपणकर जो मैंने रही गैंगस्टर्स मैंने दादाबटी कलेक्शन करती गोटे इनट्यूशनाल आनुष्ठानिक भाव में दादाबटी कलेक्शन हुए जो थे सरकार गोटे अंशविशेष यहां क्या जना ना जो ये सामनाटा घटना को आसी बर्तमान सीबीआई इंक्वायरी कर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब से मिले उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूं जिसे पवार साहब ने हाँ कहा और गृह मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के पास इस्तीफा देने के लिए गए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उसे स्वीकारेंगे। इससे पहले जो आरोप लगाए गए उस पर राज्य सरकार ने न्यायिक जाँच के लिए समिति गठित की थी। पहले दिन से हमारा ये मानना था कि इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं, लेकिन न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान होना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है और स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं पद पर रहना नहीं चाहता हूं, इसे उन्हें अनुमति दी गई और वो राजीनामा देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय गए। तबे श्रीयुक्त साहू जो कथा वर्तमान समय महाराष्ट्र जन मंत्री कहते कि आरंभर चित्र देखु शरद पवार बाहरी अनिल देशमुख सपक्ष में कहवापी एमती कि से इस्तफा देवे ना पार्टी बैठक पर निष्पत्ति सरकार छवि मलिन पड़ना निष्पत्ति यार भितर सचिन बाजे परमवीर सिंह छंदी हेले एवं जो लेटर पैड आसला शेष सरकार सबु उद्यम कर अनिल देशमुख को बचाई कि फेल मारी कह कि बिल्कुल आप देखी गोटे प्रेस कन्फरेन्स डाकि शरद पवार भी अनिल देशमुख को सुरक्षा देवाई चेस्टा करते कि से प्रेस कन्फरेन्स भी से हड़बड़ी जाते जो दिन से आपंकर अनिल देशमुख संपर्क में जितेबले सी जो तथ्य रखुते से तथ्य को संपूर्ण आपंकर जो प्रेस रो प्रतिनिधि मैंने से मैंने कागज पत्र खंडन करुते तो से आम देखी शरद पवार गोटे एम्बारसींग सिचुएसन गोटे अड़ुआ परिस्थित पड़ते तो सौ से दिन ठार स्पष्ट हो जाता जे अनिल देशमुख को सुरक्षा देवाई एनसीपी तरफ जो चेषा करेषा बेसी दिन सफल न हो पाए तो जहां शरद पवार भाई जन वरिष्ठ परिपक्व अभिज्ञ नेता जितेबाला प्रेस कन्फरेन्स करो कागज पत्र प्रड्यूस कर इन सपोर्ट ऑफ अनिल देशमुख ताकू जितेबाला से सस्पेंड कर पार नंबादिक सम्मेलन में से स्पष्ट हो जाता है घटनार एत शीघ्र पूर्णच्छेद हवा को जाऊनी आग को बहुत अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि हेब अनिल देशमुख एनसीपी से ही शेष में आज अनिल देशमुख जितेबाला सीबीआई जितेबाला कोर्ट एटा हाईकोर्ट जितेबाला संपर्क शुणा करते कोर्ट निश्चित भाव में उपलब्धि करेंगे जो परमवीर सिंह जो आलिगेशन आनी इट नीड्स टू बी प्रूव सत था मिच था इट मेरिट्स टू बी प्रूव तो से कथा को कोर्ट हृदयंगम कर जितेबाला से आपंकर इन्वेस्टिगेशन अंतर्भुक्त हवा दरकार नहीं सी मोराल ग्राउंड रु से इस्तफा दे मोराल ग्राउंड रो कथा जेतेबेले सामना को आसुचि श्रीयुक्त साहू वर्तमान ये गोटे सेफ स्ट्राटेजी कहा जाई पारे कि एटी नैतिकता अपेक्षा दलय एजेंडा जेतेबेले धीरे धीरे मलिन पड़ा फेल मारिला जने मंत्री जहां का विरोध रे दुर्नीतिर अभियोग रहिछि सेतेबेले से बाध्य होइछंती इस्तफा देबा पई जेतेबेले एमडी कोर्ट गोटे निर्देश आसे सेतेबेले से वारटा को सेमाने कोर्ट अनकोर्ट भीतर रखछि मोराल ग्राउंड कोहती किन मोराल ग्राउंड किछि नथाय मोराल ग्राउंड जदि प्रकृत रे थांता से प्रथम इस्तफा दे दीथांते तेणुक से गोटे फर्मालीट हिसाब से लिखा जाए अन् मोराल ग्राउंड आई एम रिजाइनिंग टू फैसिलिटेट इंपार्शियल प्रोब एगुड़ा सब चिराचरित पॉलिटिकल लैंग्वेज से किसी नए
किंतु कथाटी होचे जते कोर्ट जते बळे ए भलिया कोटा मंतव्य दियंती ऑब्जर्वेशन न करती सेते बळे ताका आगर आउ किछि विकल्प न थाय कारण सिए इस्तफा न देतले सेटा बडा बडा राजनीतिक प्रसंग हबो एवं ताकु विरोधीक हातर सेटा बडा बडा अस्त्र रहइबो जोति नेकि से माने आपनकु काठगडा को पूरा सरकार को काठगडा को टाणिबे एवं तादरा अनेक किछि पॉलिटिकल माइलेज अनिल देशमुख जितेबाला चाप करुथिले सचिन बाजी को एवं सेही समय रे परमवीर सिंह कमिश्नर थिले परमवीर सिंह जानिथिले एवं पदवी गला परे से चिट्ठी लेखुचंती मुख्यमंत्री को अर्थात महाराष्ट्र सरकार परमवीर कनेक्शन भाया सचिन बाजी ये गोटे त्रिकोणीय षड्यंत्र कहानी सामना को आणुछि कि त्रिकोणीय दुर्नीतिर रोडमैप सामना को आणिबा नै चर्चा हबो कि देखो परमवीर सिंह छवि एत भल ना कारण अतीत आम देखिए परमवीर सिंह महाराष्ट्र गोटे काटपुतली हिसाब से मानने बीजेपी भी चित्रित कर महाराष्ट्र सरकार जहाँ करती से हिसाब से कम करती केतटा क्षेत्र में आप जब परमवीर सिंह व्यवहार को देखिए आचार को देखिए सी महाराष्ट्र सरकार सतक जमी सी पुलिस कमिशनर नए मुंबई पुलिस कमिशनर नए सतक से जमी गोटे एजेंट थे सरकार से भाया कम करते परवर्त परिस्थित जितेबाद से बदली होती गोटे एक्सप्रेसिव लेटर से लिखी एवं जहाँ फल आज परिस्थिति यह गोटे जटिल जिते परिस्थिति यह गोलमा हो जाए जे परमवीर सिंह समस्त फायदा नहीं जब ता नुह सी अतीतर तर जो पृष्ठपोषकता से लाभ कर पृष्ठपोषकता समर्थन जोगाई दे सरकार को सी भी कौन परिस्थित गोटे अड़ुआ मुड़ुआ होकर सी भी टाणी छंदी पारती ए कथा को अस्वीकार करहब ना सीबीआई तदंतर दिग जेतेबेले सामना को आसुची वर्तमान अनिल देशमुख परमवीर सिंह एमाने समस्ते सीबीआई रो तदंत परिसर भुक्त को आसीबे कि काहे कि ना पूरा मामला रे तीन तीन जण को ना सामना को आसुची बिल्कुल जेतेबेले सीबीआई प्रोब करिवो सेतेबेले निश्चित भाव रे आपनकर परमवीर सिंह रे आसीबो सचिन वाजे आसीबे तापरे आपनकर ए भी आसीबे अनिल देशमुख आसीबे समस्ते आसीबे कारण तीन जन भितर जिते जन होम मिनिस्टर रही आउ दु जन वरिष्ठ पदाधिकारी जो मानकर मुंबई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सबकि राज चलुला से मैंने थे दे आर कलिंग दि सफ्ट इन मुंबई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो से आउ मुंबई जेहेतु गोटे कमर्सील कैपिटाल सबकि आपणकर नेशनल कंपनी हो एमएनसी हूँ मान ऑल आर हैविंग देयर हेड ऑफिसर्स देयर गोटे कथा वर्तमान समय रे कहा जाई पारे जे जेउ भली ढंग रे बट्टी आदाय रे अनिल देशमुख को ना सामना को आसिला भाया परमवीर सिंह किंतु परमवीर सिंह मध्ये निजे छंदी होउचंती काहे कि ना से सचिन बाजे को कथा कहिचंती जदी सचिन बाजे अनिल देशमुख को कथा रे बट्टी आदाय करथिले परमवीर सिंह करथिले कोन एवं अनिल देशमुख शेषरे इस्तफा देउचंती शरद पवार को भेटिचंती मोरल ग्राउंड रो कथा आसुची किंतु प्रश्न उठिबा स्वाभाविक जेतेबेले पर्यंत शरद पवार एवं महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख को बंचाई सुरक्षा देवाई आगे आसुते से पर्यंत खूब उद्यम कर छवि को खराब न करने किंतु कोर्ट कराए आसला सीबीआई तदंत कथा आसला और शेष में महाराष्ट्र सरकार को गोटे बड़ झटका जे बट्टी आदाय अभियोग घटना रे वर्तमान समय रे जड़े मंत्री गृहमंत्री अनिल देशमुख इस्तफा दे वर्तमान समय हो जाए एक ब्रेक नजर पकाइबा वर्तमान समय हस्तगत होउथबा एक बड़ खबर उपरे निर्वाचन पूर्वरु पिपिली पुलिस 50 लाख टंका जबत करिछि एक नील रंगर पल्सर रे टंका नै आसुथबा समय रे तराकज ठारु जबत करिछि पुलिस चेकिंग चलीथिला किंतु गाड़ी रखिन थिले एही दुई युवक एवं सेमाने चंपट मारिबा को उद्यम करथुबा बळे दुई जणंकु धरिछि पुलिस एवं सेमाने दुई जण जाक बळंगा अंचलर होइथिबा नै वर्तमान समय रे सूचना मिलुछि पिपिली निर्वाचन पाई उपनिर्वाचन पाई वर्तमान तीन प्रमुख राजनैतिक दल समेत तमाम प्रार्थी निजर कलबल कौशल लगे प्रचार जोरदार चली विभिन्न समय निर्वाचन में मात्राधिक टंका व्यवहार अभियोग आसे एथिपाई चेकिंग जोरदार कराए ठीक से भली ढंग से पिपिली उपनिर्वाचन पाई चेकिंग चली बेले पिपिली पुलिस हाथ में लगी दुई युवक जो मैंने नील पल्सर में 50 लाख टंका नहीं जाते देवाशीष सिंह राय नाम प्रतिनिधि आम सह फोनलाइन जोड़ी होती देवाशीष यही दुई युवक किए से क्यों बाहरी क्यों स्थान को जाते पिपिली निर्दिष्ट अपडेट पूरा दियंतु हाँ देखो अभिनव निश्चित भाव जब कह जेहतु निर्वाचन जिते आसते से
अनेक समय अभियोग आसी निर्वाचन में कला टंका व्यवहार करूँ विभिन्न राजनीतिक दल यहाँ खंडन करती निर्वाचन में कौन कला टंका व्यवहार कराए ना कि आज जहाँ बर्तमान जो पुलिस पेट्रोलींग चलता चेकिंग चलता से समय पिपिल टोल गेट गोटे पल्सर दुई जन युवक आसूल से दुई जन युवक को पुलिस अटक चेस्टा करता से न अटकू मो गाड़ी नहीं पलिवर पुलिस फलो करता पिपिल छड़ाघात पाखे धरी से पाखापाखि पचास लक्ष टा जबत करू पल्सर गाड़ी जबत कर जहां सूचना रही पिपिल बड़गा अंचल दुई जन युवक पुलिस सूत्र प्रकाश रही किंतु जेहेतु अनेक किसी घटना रही तथ्य रही पुलिस बर्तमान सुधा गणमाध्यम को कौन स्पष्ट सूचना देनी केवल ये जनई अटक रखा पचराउचरा जारी रही पाखापाखि पचास लक्ष टा जबत कर टा कौट आसूला कौन पर आसूला टा किए देते कौन कार्य व्यवहार कर सब प्रकार गोटे प्रकार तनखी कर गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर पुरी रही दुई युवक विषय में बर्तमान सुधा कहीं स्पष्ट सूचना दि जाऊना क्यों सूत्र टंका आसी क्यों स्थान टंका आनी बर्तमान सुधा कौन सी प्रकार सूचना से देखो निश्चित भाव जदि कह जेहतु से पिपिली बड़गा अंचल युवक तेणु ये पिपिली निर्वाचन मंडल अंतर्गत दु जन युवक होती अनुमान गाड़ी रेजिस्ट्रेशन जो कथा आप कहते पुरीर निश्चित भाव ये पुरी अंचल पिला जापारती किंतु जेहेतु ये टंका एत टा आसूला और टंका किए देते कौ दल व्यक्ति देते कि निर्वाचन समय से कौन परत टा नहीं पिपिल भितर को आसूले पुलिस सब पक्ष स्वर्णगान जारी रखी विशेषकर जदि कह कारण ये केवल पचास लक्ष टा नुह कोटि कोटि टा यही निर्वाचन में खर्च हो रहा गोटे प्रकार पिपिल चर्चा चली तेणु पुलिस तार गोटे प्रकार जो पूर्व पुलिस निर्वाचन कमिशन जो कथा पूर्व कहते निरपेक्ष अबाध भाव में किभली निर्वाचन हम एवं कौन सी प्रकार किभली लोक मानक प्रलोभित करपे से जो प्रकार जो सरकार जो प्रशासन उद्यम रही गोटे प्रकार पुलिस गोटे रखी उद्यम जारी रखी यही टंका छड़ा आउ टा अच्छी ना नहीं टा कौट आसी तार खोलताड़ कर अभिनय तबे वर्तमान सुधा कौन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अर्थात एसपी हूँ एडिशनल एसपी एसडीपीओ पिपिली थाना पहुंची चंती की देखो ये जो घटना बर्तमान जो जबत कर पिपिल एडीओ देवदत्त बराल रही पिपिल आईएसी रही स्थानीय तहसीलदार विभिन्न दिगक अनुसंधान कर टाटी कौटू आसी कौन परे टा आसी दुई जन युवक बर्तमान अटक रखा जाए कि समय मध्य एक्शन पारे एसपी आसी जापारती विभिन्न सूत्र सूचना रही वरिष्ठ अधिकारी मान सहित आलोचना कर टा विरुद्ध कार्यानुषान युवक मान विरुद्ध कार्यानुषान व्यवस्था करेन तेरे वर्तमान समय सुधा जो निर्वाचन अधिकारी मैंने रही मजिस्ट्रेट हूँ एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से विषय कौन पूरा तथ्य मिलू कि कौन प्रकार तदंत आरंभ कर देखो निश्चित भाव जदि कह जेहेतु एते धरण टंका धर जाती पिपिली एते जिते निर्वाचन जाती ये प्रथम थर भाव पचास लक्ष टा गोटे प्रकार सबुठ बड़ टा धर आगु जो टा धर जाए टा कौट दस पचास हजार टाँग धर जाता बेले पचास लक्ष टा धर जाती गोटे गुरुत्व भाव पिपिली जो निर्वाचन अधिकारी हूँ जो दायित्व अधिकारी मैंने हूँ गोटे प्रकार गुरुत्व नहीं विशेषकर कह जी जो प्रकार भाव में पुलिस तनागना जारी रखी आउ कि घटना थीपे से गणमाध्यम को संपूर्ण सूचना यह पर्यटन दि जाए ना अभिन तेरे जो गाड़ी नंबर रही गाड़ी नंबर आउ थे स्पष्ट करेंगे कि ओआर 13G6672 देखो जो गाड़ी नंबर कथा आप कहते जो पल्सर कथा कहते जद शुणीपार तेरे ओआर 13G6672 जो गाड़ी नंबर आसुची गाड़ी एक बजाज पल्सर 150UG एवं यह गाड़ी को 13 सेप्टेम्बर 2011 रजिस्ट्रेशन करा जदि ए नंबर प्लेट सत यह पुरी रे मध्य रजिस्टर होइछि एवं जन निर्दिष्ट व्यक्ति ना मध्य आसुची तेबे ओआर 13G6672 यह गाड़ी रो मालिकाना विषय किसी निर्दिष्ट सूचना मिलुची कि देखो अभिनय निश्चित भाव जब कह जो पूर्व जो आम
वेबसाइट रहुथला एम परिवहन से एम परिवहन रे समस्त प्रकार जो गाड़ी मालिक सब संपूर्ण तथ्य बाहर किंतु जेहेतु मझे तथ्य को अपव्यवहार कराला से गाड़ी मालिक संपूर्ण तथ्य पर्यटन बाहरी पार तेणु से जो किसी ना रही वाहन निर्दिष्ट व्यक्ति ना बाहर कि ना को प्रकट करूना गाड़ी नंबर ठीक ना भूल एने वर्तमान सुधा पुलिस सूचना मिलूना कि गाड़ी नंबर सत यह 13 सेप्टेम्बर 2011 रजिस्टर कर गाड़ी पूरी रे ही रजिस्टर होई अर्थात गाड़ी नंबर प्लेट रे विशेष किसी जालियाती करा जाए ना किंतु ये दुई युवक किए से क्योंठ आसुले निर्दिष्ट भाव में कौन पॉलिटिकल पार्टी को ये टंका जाई था अंता कि कौन प्रार्थी खर्च होता था कि से नहीं सन्देह उपजा स्वाभाविक कि नुहे और बर्तमान समय घटना सामना को आसवा पर पिपिल अन्य अंचल कहीं अनेक पंचायत अनेक गाँ रही जोठी को जीवाई अनेक छोट छोट रास्ता भी रही से सबू अंचल नाका को कमी बढ़ाई दि जा कोविड महामारी परस्पर मध्यरे सहयोग भावना को सुदृढ़ करिछि जहाद्वारा पूरा देश एकजुट हो यार मुकाबला करिपारिबो। टीकार घोषणा परे आमे समस्ते निज निजर श्रेष्ठ योगदान करिपारिबा यहाद्वारा आमे समस्ते एक होई भाइरस को हराइबारे सक्षम हेबा। एही अभियान रे आपणक सह रहिछि नेटवर्क 18 जे पर्यंत समस्ते सुरक्षित होई नाहंती से पर्यंत केही सुरक्षित नुहंती तेणु ई भावना आधार रे आमर कैंपेन संजीवनीर लक्ष्य हेउछि टीका पाइबा समस्त भारतीयंक अधिकार।